यस, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके सर, ओके फाइन। तो देखिए, आज हम लोग केएस, जो कि कास्पियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, और यूपीएससी, इन दोनों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, यूपीएससी और केएस। यस सर। यू आर वेल अवेयर अबाउट दिस एग्जामिनेशन, और जो हम लोग 15th नवंबर से अपने कोचिंग में ये न्यू बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, 15th नवंबर 2021, जो कोर्स ड्यूरेशन होगा, yes, ये नियरली 6 to 7 months का कोर्स ड्यूरेशन होगा, 6 to 7 months। मैं क्विकली पहले रिकैप करा देता हूँ कि क्या फी प्रोसीजर होगा, ईच एंड एवरीथिंग, देन आपको उसके अलावा कोई क्वेरी होगा तो आप मेरे से वो क्वेरी पूछ सकते हैं। आपका जो फी होगा वो रजिस्ट्रेशन फी 1000 rupees का होगा, प्लस 24,000 rupees ये आपका कोर्स फी है, कोर्स फी। तो टोटल आपका 25,000 rupees का कोर्स फी हो गया, 24,000 rupees का कोर्स फी, और जो फी रजिस्ट्रेशन फी है वो ये 1000 rupees का है। इस कोर्स फी को आपको 3 installments में पेमेंट करना है, 3 equal installments, लाइक 8,000 rupees पर इंस्टॉलमेंट, 3 installments में से पे करना है। इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलेगा, नो डिस्काउंट एट ऑल, यहाँ पे कोई डिस्काउंट नहीं है। एक यूनिवर्सल डिस्काउंट हम लोगों ने रखा है, व्हाट इज दैट यूनिवर्सल डिस्काउंट, मैं भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखिए, जो यूनिवर्सल डिस्काउंट है उसमें हम लोग एक टेस्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट कंडक्ट होगा। ये जो टेस्ट होगा ये मोस्टली 10th नवंबर के आसपास होगा, ये टेस्ट, ये एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट। इस टेस्ट में जो फर्स्ट 3 students होंगे, फर्स्ट 3, इनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। बस यही एक सिंगल डिस्काउंट है जो हम लोग यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं, रेस्ट आपको किसी भी तरीके का कोई डिस्काउंट यहाँ पे ऑफर नहीं किया जाएगा। 50% डिस्काउंट इस स्कॉलरशिप टेस्ट में, अगर आप टॉप 3 rank स्कोर करते हैं तो आपको 50% का यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। हमारी जो क्लासेस होगी ये मॉर्निंग और इवनिंग में क्लासेस चलेगी। मॉर्निंग लाइक 7 to 8, और 7:30 to 8:30 अकॉर्डिंग टू ये टाइमिंग आपको क्लास से पहले बता दिया जाएगा। हर क्लास में ये चेंज नहीं होता है, जस्ट लाइक जब ये प्रॉपर शेड्यूल तैयार होगा तो शेड्यूल के पहले आपको ये इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि 7 to 8 की टाइमिंग है, ये 7:30 to 8:30 की टाइमिंग है, ये मॉर्निंग की आपकी टाइम रहेगी। थोड़ा सा फ्लेक्सीबिलिटी होता है टाइमिंग में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे ज्वाइन करते हैं तो उनके अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा सा टाइम को मोर और लेस 15-20 minutes का हम लोग एक फ्लेक्सीबल टाइमिंग रखते हैं। फिर आपकी जो इवनिंग की क्लासेस होगी, इवनिंग की क्लासेस स्टार्टिंग में मॉर्निंग में आपकी 1 class होगी और इवनिंग में आपकी 2 class होगी। बट जब एक बार आप सिलेबस के साथ गो थ्रू कर लेते हैं, जब आपका थोड़ा बेसिक्स क्लियर हो जाता है, तो फिर हम लोग क्लासेस को इंक्रीज करके फिर आपकी 3 classes भी लग सकती है। इट डिपेंड्स कि आप लोग कॉप अप कर पा रहे हैं कि नहीं। इफ यू आर एबल टू कॉप अप देन आपकी 3 classes होगी, और अगर आप लोग कॉप अप नहीं कर पा रहे हैं तो यू आर क्वाइट कंफर्टेबल विद 2 classes, तो इवनिंग में आपकी 2 class होगी। ठीक है, तो आपका जो क्लास होगा इवनिंग का वो ऐसा रहेगा, मॉर्निंग 7:30 या 7 का क्लास होगा, और इवनिंग का जो क्लास होता है वो 1 class होगा आपका 6 to 7 के अराउंड होगा, दूसरा क्लास वही आपका 7:30 to 8:30 के अराउंड होगा। और जब आपको रिक्वायरमेंट होगा इससे कुछ रिवीजन क्लासेस वगैरह भी कराया जाए, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस कराया जाए, तो वो जो क्लासेस होती है आपकी वो 9 to 10 का क्लास होगा, 7:30 to 8:30, और फिर ये 9 to 10 की क्लासेस। तो आपका क्लास का टाइमिंग आपको पता चल गया कि ये क्लास जो आपकी मॉर्निंग और इवनिंग में ही क्लासेस होती है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे क्या होते हैं कि वर्किंग स्टूडेंट्स भी आते हैं, तो उनके लिए दिन का टाइम निकाल पाना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यस असलम, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, व्हाट आर यू राइटिंग ऑन द स्क्रीन, क्या लिख रहे हैं आप बताइए, आप कुछ समझाना चाहते हैं स्क्रीन पे, क्या लिख रहे हैं आप? डोंट राइट एनीथिंग, ओके प्लीज।
क्लास को एक फ्लो में चलने दीजिए, प्लीज, कुछ भी नहीं दीजिए। कोई क्वेरी हो ना तो आप क्वेरी डायरेक्टली मेरे से कर सकते हैं, किसी भी तरीके कुछ क्वेरी हो। ये मैंने आपको क्लासेस से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड आप पूछेंगे कि सर ये जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है ये कैसे कराना है, तो मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर भी मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर काफ़ी ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको स्टार्टिंग में जो फी है वो आपको 1000 रुपीज फी डिपॉजिट करना है, दैट्स इट। और आपका जो सीट होगा वो सिक्योर हो जाएगा। वंस आपका सीट सिक्योर हो जाता है, फिर इसके बाद प्लीज कुछ भी नहीं लिखें स्क्रीन पे, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब। आपको 1000 रुपीज का फी, रजिस्ट्रेशन फी आपको यहाँ पे डिपॉजिट करना है। आपको मैं नंबर बता दे रहा हूँ, ये नंबर है 9797898208। इस नंबर पे 1000 रुपीज का आपको रजिस्ट्रेशन फी डिपॉजिट करके एक स्क्रीनशॉट आपको शेयर कर देना है इसी नंबर पे, स्क्रीनशॉट। देन आपकी ये सीट बुक हो जाएगी। ये सीट बुक होने के बाद जो हमारा जो क्लासेस 15 नवंबर को स्टार्ट होगा, 15 से 21 या 22 तक हम लोग आपको चांस देते हैं कि वेदर यू लाइक द क्लास। अगर आप क्लासेस लाइक करेंगे तो फिर आफ्टर 21 आपको पेमेंट करना होगा 8000 रुपीज का। और अगर आपको क्लासेस पसंद नहीं आता है, यू वांट योर रिफंड, तो आपको फुल अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा, जो आपका 1000 रुपीज का अमाउंट होगा, ये आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। ये हमारा एक छोटा सा प्रोसीजर है क्लासेस ज्वाइन करने का। नाउ अब हम लोग कंटेंट पे आते हैं कि हम लोग आपको क्या क्या प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से क्लासेस चलेगा। तो क्लासेस कैसे चलेगा और क्या प्रोवाइड करेंगे, इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग मी, माय नेम इज अनुरोध अंकित और मेरा ये पर्सनल नंबर है 7827079882। दिस इज माय पर्सनल नंबर। मैं दिल्ली सिविल सर्विसेज का फैकल्टी मेंबर हूँ और मैं दिल्ली में क्लासेस लेता हूँ। आपकी जो क्लासेस होगी वो ऑनलाइन क्लासेस होगी और शाम की क्लासेस मैं ही लूंगा। यहाँ पे मैं आपको पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर्स, क्योंकि आज का जो पेपर है, जो आज के ट्रेंड का पेपर है, प्लीज माइक थोड़ी देर के लिए आपको बंद कर दें, थोड़ी देर के लिए माइक बंद कर दें और प्लीज क्लास को थोड़ा स्मूथली चलने दें। जिसका भी माइक ऑन है प्लीज बंद कर दें और थोड़ी देर क्लास को स्मूथली चलने दें। ये देखिए यहाँ पे मैं पॉलिटी और इकोनॉमिक्स खुद ही पढ़ाता हूँ और अलॉन्ग विद दैट करेंट अफेयर्स और सीसेट पोर्शन। सीसेट में जो क्वांट वाला पोर्शन होगा, क्वांट एंड रीजनिंग का, विल बी कवर्ड बाय मी। आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल पे देखा भी होगा कि मैंने भी क्वांट का जो सिविल सर्विसेज का पेपर हुआ है 10th ऑफ अक्टूबर को, मैंने इसे अपलोड भी किया है। अपने यूट्यूब चैनल का नाम बताइए प्लीज। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अनुरोध अंकित के नाम से, आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल दिख जाएगा। नियर अबाउट 1100 के आसपास सब्सक्राइबर है मेरे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग कुछ इसमें देखते हैं कि हम लोग आपको क्या प्रोवाइड करेंगे और किस तरीके से आपको चीजें प्रोवाइड की जाएगी। वन बाय वन हम लोग सब चीज देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेरी रहता है करंट अफेयर्स का, कि करंट अफेयर्स काफी वास्ट होता है, कैसे करंट अफेयर्स कवर करेंगे। तो बताइए आप लोगों को ये यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है या नेशनल न्यूज ईयर दिख रहा है? देखिए जैसे ये जून मंथ का करंट अफेयर्स है, तो देखिए यहाँ पे करंट अफेयर्स कवर कैसे किया जाता है। ये करंट अफेयर्स का सेशन मैं खुद ही लेता हूँ। यहाँ पे हम इस हेडिंग के अंदर हम न्यूज को पढ़ते हैं। जैसे इंडिया और मालदीव्स ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इन द फील्ड ऑफ सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। अब सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट में क्या सिर्फ इंडिया और मालदीव्स ने एक MOU साइन किया है, कोई और दूसरा कंट्री भी है जो MOU साइन किया है? तो यस, अगर आप न्यूज पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। इस न्यूज से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, ये तो आपका कंप्लीट न्यूज हो गया। इस न्यूज से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, वो सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइडेड होता है। अगर किसी को वॉइस की प्रॉब्लम आ रही होगी मेरे एंड पे, तो आप मुझे बता देंगे कि सर आवाज कम है, स्लो है या आइए, जो भी होगा मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, आवाज स्लो आ रही है मेरी, काफी स्लो है। यू आर नॉट एबल टू कोप अप आवाज में, इज इट ओके नाउ? अब आवाज सही है? यस सर। ओके फाइन,
देखिए तो यहाँ पे हमने न्यूज कवर किया, इस न्यूज से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होता है वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे इसके सब हेडिंग में ये सारा बुलेट पॉइंट में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड रहता है। इस तरीके से हम लोग न्यूज कवर करते हैं। यहाँ पे आपका न्यूज है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गेट्स डीसीजीआई नोट टू मैन्युफैक्चर कोविड वैक्सीन स्पुतनिक 5 इन इंडिया। अब डीसीजीआई क्या है? तो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। देन इससे रिलेटेड किस कंपनी को दिया गया है, ये कहाँ पे ये मैन्युफैक्चर किया जाएगा, तो इस तरीके का कंप्लीट न्यूज हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, ये न्यूज आपको ये करेंट अफेयर्स है, दिस इज करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स हम लोग कवर कैसे करते हैं मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ये जो हेडिंग आपने देखा है ना, ये नेशनल न्यूज, तो इस मंथ का जितना भी नेशनल न्यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगा वो सब एक प्लेस पे हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। इस नेशनल न्यूज आप देख रहे हैं काफी सारा न्यूज हम लोग बहुत ही एग्जॉस्टिवली न्यूज को कवर करते हैं। जैसे देखिए गोवा गवर्नमेंट हैज रिलीज्ड अ फिल्म ऑन शिवाजी पुरी स्टोरीज कॉर्ड्स और टेम्पल। अब इस फिल्म से रिलेटेड शिवाजी का क्या रोल था, क्यों यहाँ पे एक फिल्म शिवाजी पे बनाया गया गोवा में, तो देखिए शिवाजी का रोल इन फाइटिंग अगेंस्ट पुर्तगीज। तो इस न्यूज से रिलेटेड अगर कोई ऐसा हिस्ट्री एसोसिएटेड है, कुछ ही लोकेशन से रिलेटेड कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन इससे एसोसिएटेड होता है, या फिर इस न्यूज से रिलेटेड कुछ हमारा सोशल इशू एसोसिएटेड होता है, तो इन सब चीज को इस न्यूज के सब हेडिंग्स में हम लोग यहाँ पे बुलेट पॉइंट में इस चीज को कवर करते हैं इस तरीके से। इट स्पीक्स अबाउट द रॉयल टैक्स इम्पोज्ड बाय ट्रेडर्स लैंडलॉर्ड इन परनेम मनीरी बिचोलम। ये सब क्या है, ये सब नॉर्थ गोवा का प्लेसेस है जहां पे ये जो टैक्स था ना रॉयल टैक्स ये इम्पोज किया गया था, तो वहां पे शिवाजी ने इसके अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था, ये पुर्तगीज के अगेंस्ट रिवॉल्ट किया था। तो इस तरीके का जो भी न्यूज होता है ना, इस न्यूज से रिलेटेड एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन, इन सारे इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन को कवर करते हैं तभी हमें न्यूज से रिलेटेड, क्योंकि डायरेक्ट न्यूज आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है, अगर आप सिविल्स का तैयारी कर रहे हैं या केएस का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट न्यूज नहीं पूछा जाता, लेकिन उस न्यूज से एसोसिएटेड इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे तो अभी पुर्तगाल के पीएम आए थे इंडिया में विजिट करने के लिए लास्ट ईयर, और इससे रिलेटेड आपने देखा होगा कि सिविल सर्विसेज में एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि फ्रांसिस जेवियर्स पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आप देखे होंगे सिविल सर्विसेज का पेपर, तो वो विजिट करने आए थे पुर्तगाल में, सॉरी गोवा में, और क्यों वहां उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उनकी जो डेथ हुई थी क्या वो गोवा चर्च में हुआ था, क्योंकि उनका डेड बॉडी आज भी गोवा के चर्च में रखा गया है। ठीक है, बट ये इन्फॉर्मेशन क्यों आपने सोचा कि इस तरह का क्वेश्चन क्यों पूछा गया, किसी चर्च के बारे में उठा के कुछ क्वेश्चन पूछ देंगे, नहीं, समथिंग रिलेटेड टू पुर्तगाल, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ था, तो उससे रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन निकालना होता है, हमें इन्फॉर्मेशन पढ़ना होता है, और फिर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। तो हम लोग जो हेडिंग्स में, एक तो आपने ये न्यूज पढ़ा, इससे रिलेटेड सब हेडिंग्स में हम लोग ये सारा न्यूज कवर करते हैं। ठीक है, तो आप देखिए नेशनल न्यूज पूरे मंथ का एक जगह पे है, और ये काफी एग्जॉस्टिव नेशनल न्यूज आप देख रहे हैं, ये लगभग 70 पेजेज में ये सिर्फ हम नेशनल न्यूज कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है जैसे इंटरनेशनल न्यूज, तो जो भी हमारा इंटरनेशनल न्यूज से रिलेटेड पार्ट होगा उन सबको हम इस प्लेस पे कवर करेंगे, ये इंटरनेशनल न्यूज। इसी तरीके से हमारा आता है पर्सन इन न्यूज, देन डेज इन न्यूज एंड ऑल। ये जो भी न्यूज है ये सब इंटरनेशनल न्यूज हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। देन अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई न्यूज हो तो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज हम लोग इस तरीके से कवर करते हैं, पूरे मंथ का एक जगह पे हम लोग इस चीज को कवर करते हैं। तो आपको किसी अदर बुक्स, किसी मैगजीन, किसी पेपर को रेफर करने की जरूरत नहीं है अगर आप यहाँ पे इस तरीके से एग्जॉस्टिवली चीजों को कवर करते हैं। तो इसके अलावा हम लोग, ये तो हुआ कि आपने न्यूज कवर किया, लेकिन डायरेक्ट क्या न्यूज आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, या आप न्यूज को ऐसे कितने लंबे टाइम तक आप इसको याद रख पाएंगे, तो इससे रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू कवर करते हैं, और एकदम एग्जाम पैटर्न में आपको मैं एमसीक्यू शो कर रहा हूँ। आप लोग दिख रहा है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आर द मेंबर ऑफ बिम्स्टेक एंड आसियान, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिख रहा है, दिख रहे हैं बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में। मैत्री सेतु रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ लिंक बिटवीन, तो अभी आपने पढ़ा होगा मैत्री सेतु के बारे में, तो मैत्री सेतु किससे रिलेटेड, इंडिया नेपाल, इंडिया भूटान, इंडिया बांग्लादेश, इंडिया म्यांमार, इस तरीके से हम लोग न्यूज को यहाँ पे कवर करते हैं। जैसे इलेक्शन अभी हो रहे हैं कहीं कहीं पे, तो अब इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, तो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है, पूछ रहा है स्टेटमेंट करेक्ट,
तो ये सब जो भी न्यूज होता है ना, ये हर मंथ का हम लोग नियर अबाउट यहाँ पे 200 to 300 MCQ कवर करते हैं जो उस पर्टिकुलर मंथ का होता है, बिल्कुल एग्जाम पैटर्न में। इसके बाद हम लोग कुछ जनरल MCQ कवर करते हैं जो कि डायरेक्टली न्यूज से एसोसिएटेड MCQ होता है। तो एक मंथ में हम लोग 300 MCQ करंट अफेयर्स का कर रहे हैं, देन उस न्यूज को पूरा कवर कर रहे हैं। तो ऐसे हमारा करंट अफेयर्स तैयार होता है। तो जस्ट बिफोर द एग्जाम कि आप वन ईयर का अगर आप पूरा कंप्लीट न्यूज कर रहे हैं तो यू हैव प्रैक्टिस नियरली more than 3000 MCQ इन द रियल टाइम। रियल टाइम में आपने 3000 से ज्यादा MCQ प्रैक्टिस किया है, जो MCQ आपको एग्जाम में बिल्कुल फेमिलियर उसी तरीके आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये है आपका करंट हम लोग कैसे कवर करेंगे। दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग आते हैं, जैसे इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स में बहुत लोगों का क्वेरी होता है कि सर क्या हमें NCERT पढ़ना है, ये है वो है। तो देखिए NCERT के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है, NCERT तो पढ़ना है, लेकिन हम लोग अपने ही नोट्स के थ्रू वो सारा NCERT कवर कराते हैं। जैसे अगर आप मनी चैप्टर NCERT में देखेंगे तो देखिए मनी चैप्टर इसी तरीके से NCERT में आपको प्रोवाइडेड हुआ है। इसका डेफिनेशन है, बार्टर सिस्टम है, इसका डिसएडवांटेज है, देन डिसएडवांटेजेस क्या क्या था, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, सर्च कॉस्ट, ट्रांजेक्शन कॉस्ट काफी हाई था, देन मनी का क्या क्या फंक्शंस है। तो देख रहे हैं मनी का फंक्शन, इसमें प्राइमरी फंक्शन डिवाइडेड है, सेकेंडरी फंक्शन। अब प्राइमरी फंक्शन क्या क्या है, तो इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। तो आपको किसी अदर बुक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि सर NCERT पढ़ना है, जो सारा चीज आपको क्लास में ही कवर कराया जाएगा। 6 to 7 months के इस कोर्स के ड्यूरेशन में आपको ये सब कुछ क्लास में कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एक कि NCERT हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे। दूसरा हम लोग यहाँ पे देखिए, ये आपका NCERT कैसे कवर करेंगे ये हमने देखा। फिर हम नोट से कैसे कवर करते हैं, तो मैं आपको नोट्स भी दिखाता हूँ जैसे हम लोग नोट से कैसे कवर करते हैं। जैसे अगर हम मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट, तो बहुत लोगों का क्वेरी रहता है कि सर पहले प्रीलिम्स का तैयारी करें, पहले मेंस का तैयारी करें, क्या कैसे हम स्टार्ट करें। तो देखिए जो हमारा जो प्रिपरेशन होना चाहिए ना, वो इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन होना चाहिए, प्री और मेंस का साथ में। अलग अलग प्रिपरेशन नहीं होता है, प्री का आप अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं और मेंस का अलग प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे एक छोटा सा टॉपिक हमने उठाया मॉनेटरी पॉलिसी, तो अब आप देख रहे हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रिक्वायरमेंट है, ये पॉलिसी क्यों आया है, एक क्वेश्चन फॉर्म में उससे रिलेटेड उसका क्या क्वेश्चन बनता है कि उसमें बताया कि प्लानिंग के कारण हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ते हैं। तो प्लानिंग क्यों जरूरी है, तो उससे रिलेटेड यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे चीजों को कवर करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने से पहले उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है, और यहाँ पे इसी क्वेश्चन फॉर्म में हम लोग चीजों को यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स कवर करते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या करता है, इसका प्राइमरी फोकस क्या है, हम लोग प्राइस स्टेबिलिटी को किस तरीके से मेंटेन करेंगे, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या क्या टूल्स हमारे पास अवेलेबल है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इस टूल्स में तरह तरह के जो टूल्स होते हैं वो उसका क्या मतलब होता है, हर एक टूल्स को हम लोग यहाँ पे डिटेल में कवर करते हैं। जैसे CRR, अब CRR पढ़े तो हमने यहाँ पे देखा कि NDTL क्या होता है, इस NDTL से रिलेटेड जैसे होता है ना कि बैंक के पास पैसा आया तो बैंक की किस्त लेती है, बैंक का पहला मकसद क्या होता है, जो चीजों को लोन में प्रोवाइड करें, जो भी पैसा है उसको लोन में प्रोवाइड करें, RBI वहां आके खड़ा हो जाता है, किस तरीके से ये सारा प्रोसीजर होता है, कैसे CRR और SLR को यूज करके बैंक जो होता है, जो RBI होता है, वो मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करता है, CRR और SLR का क्या यूज है, कैसे CRR SLR इन्फ्लेशन से फाइट करने में हेल्प करता है। अगर आप इस तरीके से चीजों को कवर करते हैं और इस पैटर्न में अगर आप एग्जाम में आंसर्स को लिखते हैं तो प्री तो आपका क्लियर होगा ही होगा, साथ में आपका मेंस का साथ साथ तैयारी होता है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इकोनॉमिक्स कवर करेंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का मैंने आपको एक डेमो दिखाया कि हम लोग किस तरीके से करेंगे। जैसे क्वेश्चन बनता है ना, आप मेंस का अगर पेपर देखे होंगे तो क्यों हाई CRR और SLR इज नॉट गुड फॉर इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ के टर्म्स में क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए अब यहाँ पे एक एक लाइन तो मैं यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिख सकता हूँ ना कि एज पर दिस वी नो दैट, यहाँ पे मैंने बुलेट में आपको कुछ चीजें बता दिया कि अगर CRR SLR हाई रखेंगे तो क्या होगा, लोन अवेलेबल अमाउंट हमारा घट जाएगा, इंटरेस्ट रेट हमारा बढ़ जाएगा, इससे क्या होगा लोन रिडक्शन हो जाएगा, लोन रिडक्शन होगा तो मनी सप्लाई मार्केट में कम होगा जिसके कारण डिमांड रिड्यूस होगा, और डिमांड रिड्यूस होने का कारण क्या होगा कि जब डिमांड ही नहीं रहेगा तो सप्लाई नहीं होगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होगा, नेशन का डिक्रीज होगा। तो इस तरीके से आपने कॉन्सेप्ट समझा। अब ऐसा अगर पेपर में आप भी क्वेश्चन आता है
तो यू आर नाउ फिट टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब कुछ चेंजेज हुआ हमारे CRR SLR में, पास्ट में कुछ चेंजेज हुआ है, RBI एक्ट में क्या रिटेन है, कुछ इस पे कमिटी बना है, तो जो टॉपिक पढ़े ना उस टॉपिक को उसी जगह पे हर तरीके से चीजों को कवर करना है। तो ये मैं आपको बता रहा था कि कैसे प्री और मेंस इंटीग्रेटेड तैयारी करते हैं। इसी फॉर्म में हम आपको पॉलिटी का बताते हैं। देखिए इंडियन पॉलिटी, आप पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी तो आपको पता चलेगा सर पॉलिटी तो बहुत वास्ट है, इतना वास्ट सिलेबस, लगता है क्या खत्म होगा, लक्ष्मीकांत इतनी मोटी सी बुक है खत्म कैसे होगा। लक्ष्मीकांत खत्म करने के लिए 60-70 लेक्चर्स मोर देन एनफ है, लक्ष्मीकांत आराम से खत्म हो जाएगा। और साथ साथ वहां पे हम लोग पॉलिटी के कॉन्सेप्ट को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी गो थ्रू करेंगे। अभी आपने देखा होगा इस बार का जो क्वेश्चन था वो सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आप लोग यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर से गो थ्रू किए होंगे तो आपको पता चला होगा कि सेपरेशन ऑफ पावर पे क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए मेरा जो क्लास का जो स्टार्टिंग होता है ना वो होता ही है सेपरेशन ऑफ पावर से। इंडियन पॉलिटी का मतलब क्या होता है, इंडियन पॉलिटी अगर मैं आपको बोलूं डिफाइन करने तो क्या मतलब होता है, ये तो एक रियल लाइफ ड्रामा है ना जो कि इंडियन गवर्नेंस के स्टेज पे इनेक्ट किया जा रहा है, इसी को तो बोलते हैं इंडियन पॉलिटी। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, सेपरेशन ऑफ पावर से, किस तरीके से लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में सेपरेशन हुआ है, क्या सेपरेशन ऑफ पावर गुड गवर्नेंस को प्रमोट करता है, तो इस तरीके से हम लोग मेंस में कैसे आंसर राइटिंग करेंगे वो हम लोग यहाँ पे चीजों को इस तरीके से कवर करेंगे मेंस आंसर राइटिंग। बट आप बोलेंगे सर मेंस का आंसर राइटिंग को समझ गया, प्री में किस तरीके से हम लोग पूरे लक्ष्मीकांत को कवर करेंगे, क्या लक्ष्मीकांत हमें अपने से पढ़ना होगा, तो लक्ष्मीकांत आपको खुद से नहीं पढ़ना होगा। यहाँ पे उस हेडिंग्स में आपको ये सारा PDF में और हार्ड कॉपी नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे हमने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट किया तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड एक एक पॉइंट हमारे खुद के नोट्स में अवेलेबल है, तो आपको अलग से किसी बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं है। ये आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इंटायर चीज यहाँ पे मेंशनड है सीरीज। तो ये हमारा नोट्स था जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से हम नोट्स से चीजों को कवर करेंगे। अब थोड़ा सा हम लोग स्ट्रेटजी पे भी डिस्कशन करते हैं। अच्छा वेट, आप लोग दोबारा से एक बार ज्वाइन हो सकते हैं क्योंकि ये 14 मिनट्स का एक सेशन था तो जो अभी एंड होने जा रहा है, तो कैन यू ज्वाइन अगेन जस्ट फॉर अनदर 15 मिनट्स, जस्ट फॉर अनदर 15 मिनट्स। सो प्लीज ज्वाइन ऑन द सेम लिंक।